हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आपकी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाना सीखेंगे पनीर बहार। ये पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी होती है, ये बहुत ही टेस्टी होती है और ये झटपट बन जाती है और इसकी ग्रेवी को आप पहले से बनाकर स्टोर कर सकते हैं। इस सब्जी का स्वाद बिल्कुल होटल की सब्जी की तरह होता है और आपके घर आए मेहमान के सामने ये आपकी शान बढ़ा सकता है और ये बहुत ही सरल रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज आप उसे लाइक और शेयर करना है जरूर और सब्सक्राइब जरूर करें उसे। चलिए अपन देखते हैं इसकी क्या क्या सामग्री लगेगी इसके लिए। ये 3 मीडियम आकर के प्याज हैं जो मैंने लंबे लंबे काटे हुए हैं। ये 1 इंच अदरक है। ये 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं। ये 2 चम्मच मेलन सीड है। ये काजू है 8 से 10 और ये पनीर। इसमें हमने लिया है गरम मसाले में 8 से 10 काली मिर्ची, 3-4 लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और चक्री फूल। और आगे ये हमने लिए 3 मीडियम साइज के टमाटर। अब हम मसाला देखते हैं। मसाले में है गरम मसाला, किचन किंग मसाला, हींग, जीरा, खड़ा पिसा धना, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, हरा धनिया, शक्कर, मलाई या क्रीम, आपको जो ऑप्शनल आपको जो लगे आप ले सकते हैं। और ये कसूरी मेथी। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। हमें एक पतीला लेना है गैस पे। इसको हमें इतना पानी भर के रखना है कि सिर्फ हमारी जो सब्जियां हैं प्याज वगैरह वो इसमें सिर्फ डूब जाएं अच्छे से। इसको हमको पानी को उबालना है। ये पानी मैंने पहले से उबाल के रखा हुआ है, मैं आपके सामने फिर से बताता हूँ। इस पानी को उबालना है। थोड़ा हुआ धनिया, ये इसी में हमें सब सामग्री डाल देना है। कसूरी मेथी भी इसी में डाल देंगे। ये कसूरी मेथी 1 से 1.5 चम्मच के करीब है। तब हम इसे ठंड अभी ठंडा हो गया है, इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे। और हमने इसे पीस लिया है। अब इसका हम छोक लगाएंगे। कढ़ाई में तेल डालेंगे। ये 2 बड़े चम्मच तेल है। तेल को अच्छा गरम कर लेंगे। देखते तेल गरम हुआ कि नहीं। अब तेल गरम हो गया है, हम इसमें चुटकी भर हींग डालेंगे। एक चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच और जो हमने पेस्ट तैयार किया है, ये जीरा पकने पर ये पेस्ट इसमें हम भुनेंगे। इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 मिनट में ये पक जाएगा। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच।
और एक चम्मच किचन किंग मसाला, एक चम्मच शक्कर, अब हम इसमें मलाई ऐड करेंगे। आप चाहे तो क्रीम भी डाल सकते हैं। अब हम ढक्कन हटा देंगे। हमारा मसाला तैयार है, ग्रेवी तैयार हो गई है। इसमें हम पनीर के पीसेस डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, हमारा पनीर बहार तैयार है। इसे हम सर्व करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा क्रीम ऐड कर देंगे पनीर से गार्निश करेंगे। हमारा पनीर भी तैयार है। आप इसे टेस्ट करके बना के जरूर देखिएगा।